क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारा जो प्राधिकरण है, ये किसानों का शोषण कर रहा है। हमें तो लूटा जा रहा है हर तरीका से। 10 किलोमीटर जब पड़ता है जेवर, उससे टूल दे के हमें निकलना पड़ता है। जो हमारे संपर्क मार्ग हैं, जो उन्होंने पीडब्ल्यूडी में दे रखे हैं, वो टूटे फूटे पड़े हैं। ना तो ये पता पड़ती है कि गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। जब हम प्राधिकरण में हैं, हम शहरीकरण में हैं, तो हमारे रोड बनने चाहिए डायरेक्ट, चाहे वो तहसील के लिए हो, चाहे मुख्यालय के लिए हो। लेकिन सरकार तो तुम्हारी है। सरकार हमारी है, तो हमारे नहीं है। सरकार हमारे, सरकार के खिलाफ है हम। यदि गूंगी बहरी सरकार हमारे किसानों की समस्या नहीं सुनेगी, तो हम किसानों के संग हैं और हम भी किसान हैं। जब हमारी रोटी पर आगे पड़ेगी, तो हमें अपनी रोटी रखानी पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी सही। और सबसे दुख का विषय यह है कि हमारे जेवर तहसील कार्यालय से और जनपद कार्यालय तक कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है। आम गरीब किसान है भी, अगर जनपद कार्यालय पे जानो है तो टोल देने के बाद ही जाना पड़ेगा। और वो इन किसानों का टोल फ्री किया जाए कायदा में। और भाई इतना अर्थ ना करें प्रशासनिक अधिकारी, ये भी औलाद बारे के पब्लिक पेट पर हाथ धर के इन्हें गाड़ी दे। तो जो प्राधिकरण में बैठे हुए जो ऑफिसर हैं, कम से कम अपने परिवार को लाकर यहाँ पर गांव के गड्ढे तो देख लें एक बार ये तो देख लें। अगर रात बेरात में किसी महिला को, मैं तो एक साधारण महिला मैं भी हूँ, तो मैं तो महिलाओं के बारे में सोचूंगी। महिलाओं की अवस्था ऐसी होती है कि रात में 9 बजे 10 बजे 12 बजे कहीं भी जाना पड़ सकता है। मेडिकल प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है उनके साथ में। इतने गड्ढे हैं कि किसी अस्पताल तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर रात को 12 बजे भी किसी महिला को लेकर निकल जाओ ना, तो हो सकता है कि उसका अंत रास्ते में ही हो जाए। पता नहीं, बहुत उन्होंने तो बिल्कुल आंख बंद कर रखी है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सबसे पहले सड़क को ही देख लें, बाकी समस्या तो बाद की बात है। तो मैडम बात कर रही हैं जेवर से लेकर और दयानतपुर डुडेरा और ये जो तमाम नगला करौली, नगला हुकम सिंह, इसके अलावा जो तमाम गांव हैं, लगभग एक दर्जन से ज़्यादा गांव हैं। कई बार हम भी आवाज़ उठा चुके हैं, तो जो यमुना प्राधिकरण के आवाज़ जो अधिकारी हैं आवाज़ सुन रहे हों, तो कृपया ध्यान दें इस तरफ, क्योंकि अब तो लोग बहुत बहुत अच्छी भी कहने लगे हैं आपके लिए। आरएसएस की कृषि इकाई भारतीय किसान संघ की एक बैठक गांव नगला करौली में आयोजित की गई। जी हां, निजी प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई इस मीटिंग में जिले की समस्त टीम ने भाग लिया। इस अवसर पर संगठन का विस्तार भी किया गया और नए मेंबर संगठन में जोड़े गए। इस कार्यक्रम के चलते प्रांतीय उपाध्यक्ष अनुराग जी एवं प्रांतीय महामंत्री कुलदीप जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित रहे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं में जिला मंत्री उमेश शर्मा एवं उपाध्यक्ष भोला शर्मा ने किसानों के हितों को लेकर जोर शोर से अपनी आवाज उठाई। इसके अलावा जेवर से रघुपुरा तक जर्जर हो चुके अनेकों गाँवों को जोड़ने वाले मार्ग को लेकर चिंता जताई। टोल फ्री किसानों के लिए कराने के लिए आवाज उठाई। इसके अलावा अनेकों समस्याओं को लेकर इस संगठन द्वारा आवाज उठाई गई। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भारतीय किसान संघ की ओर से आज एक बैठक गांव नगला कंचन करौली के करीब इस धर्म कांटे पर की गई है और यहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्लस ग्रामवासी हैं, प्लस किसान हैं, वो यहां इकट्ठा हुए हैं और इस मीटिंग के चलते आज यहां उपलब्ध हैं। उमेश भाई मेरे साथ हैं। उमेश भाई की कॉल मुझे गई थी, ये जिला मंत्री हैं, बताएं कार्यक्रम। मैं उमेश कुमार, जिला मंत्री भारतीय किसान संघ। हम यहां, हमारी मासिक बैठक आज हो रही है। इससे पहली मासिक बैठक चंचल भाई आपने ली थी, वो जेवर में हुई थी। आज हम फिर दोबारा यहाँ एकत्र हुए, हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनुराग जी, प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर कुलदीप जी, प्रांतीय सह महिला प्रमुख अर्चना जी भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा और चंचल भाई से भी अनुरोध करूँगा कि चंचल भाई अपनी प्रेस के माध्यम से और वो हमारे संगठन के माध्यम से हमारे किसानों का जो शोषण यमुना अथॉरिटी द्वारा हो रहा है, उसे आगे रखें, प्रांत तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, जिससे किसानों का कुछ हो सके। ये यमुना अथॉरिटी इन गांवों को विस्थापित कर रही है, जिन हिसाब से सुविधा मिलनी चाहिए वह हिसाब से ना तो सुविधा दे रही है, और बता रहे हैं कि 7% भी किसानन की खत्म कर रही है। पिछले 14 साल से कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, ये सर्किल रेट बढ़ना चाहिए। और सबसे दुख का विषय ये है कि हमारे जेवर तहसील कार्यालय से और जनपद कार्यालय तक कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है। आम गरीब किसान है भी, अगर जनपद कार्यालय पे जानो है तो टोल देने के बाद ही जानो पड़ेगा और वो विवश होगो। और जो अपने सत्ताधारी हैं वो टोल पे वैसे ही चल रहे। मैं
प्राधिकरण ते भी, प्रशासन ते भी, डीएम साहब ते भी, एसडीएम साहब ते भी, सबते अनुरोध करूंगा कि अगर त्योहार पे भी कोई किसान हमारे कुरेम गांव से जाता है तो उसकी मजबूरी है फलेदा कट से हाईवे पर चढ़ के जाएगा और वो टोल देने के लिए जेवर कट में बेबस होगा। इन किसानों का टोल फ्री किया जाए कायदा में। और भाई इतनो अर्थ ना करें प्रशासनिक अधिकारी, ये भी औलाद बारे के पब्लिक पेट पर हाथ धर के इन्हें गाड़ी दे और ये पेट की आत्मा की आवाज, जो अधिकारी हो चाहे कोई हो, परमात्मा की और आत्मा की आवाज, ये सब दुख दे जाए, सब डरें ईश्वर से और इन किसानों को सहयोग करें। यही मेरी विनती है अपने संगठन के माध्यम से और चंचल भाई के माध्यम से अपनी आवाज ऊपर पहुंचाने। तो जी कुछ कहना चाह रही है मैडम? हाँ जी जी जी, मैं अर्चना त्यागी, आपके पहली बात तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि ये प्राधिकरण ने जो गौतम बुद्ध नगर का जो ये अपना प्राधिकरण है उसने जो रुई अपनी कानों में डाली हुई है तो हो सकता है कि आपकी माध्यम से हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए और अपनी वो रुई वो निकाल ले। हाँ जी, मैं अभी अभी यहाँ पर कुछ समय पहले गई थी तो यहाँ पास में गाँव करौली और इनायतपुर पड़ता है, मुझे कुछ कार्य था तो मैं गाँव इनायतपुर के लिए गई थी तो जो प्राधिकरण में बैठे हुए जो ऑफिसर है कम से कम अपने परिवार को लाकर यहाँ पर गाँव के गड्ढे तो देख लें एक बार ये तो देख लें। अगर रात बे रात में किसी महिला को, मैं तो एक साधारण महिला मैं भी हूँ तो मैं तो महिलाओं के बारे में सोचूंगी, महिलाओं की अवस्था ऐसी होती है कि रात में 9 बजे 10 बजे 12 बजे कहीं भी जाना पड़ सकता है, मेडिकल प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है उनके साथ में, इतने गड्ढे हैं कि किसी अस्पताल तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर रात को 12 बजे भी किसी महिला को लेकर निकल जाओ ना तो हो सकता है कि उसका अंत रास्ते में ही हो जाए, पता नहीं बहुत उन्होंने तो बिल्कुल आंख बंद कर रखी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। सबसे पहले सड़क को ही देख लें, बाकी समस्या तो बाद की बात है। तो मैडम बात कर रही हैं जेवर से लेकर और दयानतपुर, डुडेरा और ये जो तमाम नगला करौली, नगला हुकम सिंह, इसके अलावा जो तमाम गांव हैं, लगभग एक दर्जन से ज्यादा गांव हैं, कई बार हम भी आवाज उठा चुके हैं। तो जो यमुना प्राधिकरण के आवाज जो अधिकारी हैं आवाज सुन रहे हो तो कृपया ध्यान दें इस तरफ। शर्मा फलदा से मैं इस संगठन का उपाध्यक्ष हूं और मैं किसानों की मांग उठाने का जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है, मुझे जन जागरण करने की जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है, मैं भरपूर निभाऊंगा क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारा जो प्राधिकरण है, ये किसानों का शोषण कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, या तो शिक्षा में चले जाइए तो वो शिक्षा की तरफ छोटे छोटे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या सड़क की तरफ चले जाइए, हमें तो लूटा जा रहा है हर तरीका से। हमारा 5-10 किलोमीटर जब पड़ता है जेवर, उससे टूल दे के हमें निकलना पड़ता है, जो हमारे संपर्क मार्ग है जो उन्होंने पीडब्ल्यूडी में दे रखे हैं वो टूटे फूटे पड़े हैं, ना तो ये पता पड़ती है कि गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। तो हम प्राधिकरण से कहने चाहते हैं, जब हम प्राधिकरण में हैं, हम शहरीकरण में हैं, तो हमारे रोड बनने चाहिए डायरेक्ट, चाहे वो तहसील के लिए हो चाहे मुख्यालय के लिए हो। और भाई दूसरी बात मेरी ये है, देखिए सरकार तो तुम्हारी है, सरकार हमारी है, विचार तो हमारे नहीं है, सरकार हमारे, सरकार के खिलाफ है हम। यदि गूंगी बहरी सरकार हमारे किसानों की समस्या नहीं सुनेगी तो हम किसानों के संग हैं और हम भी किसान हैं। जब हमारी रोटी पर आफत आके पड़ेगी तो हमें अपनी रोटी रखानी पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी सही, हमें तो अपनी रोजी रोटी रखानी पड़ेगी। कल हमारे बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी, बड़े बड़े यहाँ काम काज चलेंगे, हमारा किसान, हमारा छोटा भाई, हमारे बालक सड़कों पे होंगे और कटोरा हमारे हाथ में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भोला जी बीजेपी के बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज जब परेशान हैं तो इनके आप सुन, जिलाध्यक्ष जी को भी ले लें थोड़ा सा। अच्छा भारतीय किसान, आप बिल्कुल बीजेपी से अलग कर दूं आपको? हाँ, बीजेपी, अब ये बीजेपी से बिल्कुल अलग है, नाराज है, अब ये भारतीय किसान संघ में है, याद रखना भाई सब भाई। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? चंचल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 2-3 बार से हमने करिए तो आपके माध्यम से हम चैनल से बात जाती है, सारी बात कह दी है हमारे डॉक्टर साहब ने, प्रांत महामंत्री जी ने। सीधा सीधा मामला है, अगर प्राधिकरण नहीं चेतता है, हम 3 बार कह दिया और हमें गोल बढ़िया आश्वासन देते हैं, दीपावली से पहले हम सर्कुलेट बढ़ा रहे हैं, 2 महीने में हम तुम्हारा जो ये रोड बन जाएगी जिला मुख्यालय से, वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, 7% की बात थी वो भी नहीं है, मुआवजा भी नहीं बढ़ाया। तो अब सीधा ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सीधा बात होगी हमारे प्रांत मंत्री से, हम प्रदेश स्तर पर, हमारा अधिवेशन है लखनऊ में 14-15 तारीख का, वहाँ अपनी बात रखेंगे, लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। अगर मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आप इसे सड़क को बनवा दो जेवर से लेकर रघुपुरा तक के को, ये सब किसान बहुत खुश हो जाएंगे। जैसा बहन जी ने बताया कि कोई महिला अगर किसी वैसी अवस्था में अगर इस रोड पर चली जाए तो उसके साथ बहुत परेशानी घट सकती है। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? चंचल जी पहले तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, एक तुम ही ऐसे हो जो हमारी बात
ऊपर तक पहुंचा रहे हो। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जैसे नंगला हुकुम से चार गांव जो विस्थापन है इनकी जो नाप कर रहे हैं तो वे परसेंटेज काटे मकान में, अच्छा काई में 20%, काई में 40%, काई नए बताओ में, काई ये पुराना बताओ में। मैं सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहूंगा कौन सी सरकार एक दिन में एक गांव खड़ा कर सके। भाई जरूरत के हिसाब से किसान मकान बनाए या तो सब जाने, तो वे किसान को घर तो घर है, चाहे छोटो है चाहे बड़ो है, चाहे लेंटर को चाहे गाटर पत्थर को, वे पैसा क्या उस उद्देश्य से काट रहे हैं। भाई ये पैसा नहीं कटने चाहिए। और विस्थापन वाले गांव की हालत तुम्हें मुंह भी ज्यादा पतो है, बहुत बुरी है। तो ये ऐसे जो लूट कर रही है ना अथॉरिटी प्रशासन, मैं तो शासन है भी मानूंगा, मैं शासन बेकर जो प्रशासन होता है प्रशासन की आंखों में शासन झलकता है, तो मेरा मानना है शासन करवा रहा हूँ, ये जो कुछ करवा रहा हूँ शासन नहीं, प्रशासन नहीं कर रहे। तो यार लूट है, मैं आज इन संघ वाले भारतीय किसान संघ से भी ये अपनी समस्या रखेंगे, भाई हमें ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। फिर ये जो मकान में तो जो काटे जा रहे हैं कि जी हम 50% देंगे आबादी को, सबसे बड़ी समस्या तो आबादी और बिगर आबादी है। मेरा जो मकान है कभी मेरे बाबा ने वहां में घेर बनाया कच्चो कच्ची ईंटन को, फिर मेरे पापा ने वहां में चूने को मकान बनायो, अब मैंने तोड़ के बनायो, लेकिन सरकार वह आज भी कृषि भूमि मान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो 100 साल पुराने मकान हैं उन्हें कृषि भूमि कैसे मानो। कौन सा गांव आपका? नंगला हुकम सिंह। तो नंगला हुकम सिंह से हैं भैया, इनके गांव के विस्थापन की बात चल रही है तो इनकी अपनी पीड़ा है। इसके अलावा आज यहां प्रांतीय उपाध्यक्ष अनुराग जी मौजूद हैं, प्रांतीय महामंत्री कुलदीप जी हैं, जिलाध्यक्ष योगेंद्र त्यागी जी हैं। सबसे पहले उपाध्यक्ष अनुराग जी से बात करेंगे। सर आज जो मीटिंग यहाँ आपने रखी है, तमाम लोग मौजूद हैं, क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का और किस पर्पस से रखी गई है ये बैठक? हमारी जो प्राधिकरण धानलेबाजी कर रही है उसके ऊपर रखी गई है। वैसे हमारी बैठक हर महीने होती है, तो इसी उपक्ष में ये करौली गांव में रखी गई और कुछ दायित्व भी दिए गए हैं। तो हमें अपने जो जितनी भी कार्यकारिणी हमारी है लगभग, अब इस कार्यकारिणी को बढ़ाते हुए जितने 1001 कार्यकर्ता तैयार करने, सदस्य तो हमारे हो सकते हैं 1,50,000 जो भी हो सकते हैं, पर जो कार्यकर्ता हैं वो 1001 करना है। तो वो इस उससे बैठक हुई है और हम जो तीनों प्राधिकरण चल रहे हैं एक मुआवजा चाहते हैं इनका। 12 साल से अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है, ना ही बढ़ा है, वो ही मुआवजा चला चला आ रहा है। इसलिए और इस मुहिम को लेकर हमारा भारतीय किसान संघ बिल्कुल अडिग है और ना ही उनसे दबेगा और ना ही वो दबाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हम थोड़े कम स्तर पर लेकर चल रहे हैं, परंतु अगर ऐसा ही रहा तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये जो कौन सा ये गंगा यमुना एक्सप्रेसवे है, इसके बराबर में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो हम सीधे यहाँ करौली तक भी या रघुपुरा तक भी आ सकते हैं। और बीच में मान लो ये टोल है, अब गरीब किसान है वो अपनी गाड़ी से, कोई छोटी मोटी गाड़ी है उस पर भी वो टोल देकर आएगा, तो क्या ये प्राधिकरण देख नहीं रहा है? हैं, प्राधिकरण की आँख कहीं बिल्कुल फूट गई है क्या? किसान उनको लेकर आएगा, मतलब किसान जान गई भाई अपने मुख्यालय से आएंगे तो यहाँ तक भी आएंगे, जाएंगे जेवर भी जाएंगे, तो वो टोल लेकर जाएंगे, उनका ये सड़क बनाने का जैसा भी ये सड़क है थोड़ी सी और बड़ा आगे करके पहुँच जाएगी तो बन जाएगा, परंतु इस बार में कोई ध्यान नहीं है, 12 साल से कोई भी मुआवजा बढ़ा नहीं है। तो हम भारतीय किसान संघ कमजोर नहीं है, हम अपनी रीति नीति से काम करते हैं। ऐसा ना हो कि हम अपनी रीति नीति भूल जा, प्राधिकरण को बहुत कहरा पड़ जाएगा। इसलिए हमने कई बार 2-3 बार हमारे अध्यक्ष जी ने बात भी करी है, परंतु उनकी समझ में ये नहीं आ रही है, वो सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही बात लॉलीपॉप देकर काम हो जाएगा। पर अगर ऐसा ही उनका रवैया रहा तो हम आगे आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। और ये सूचना हमारे अखिल भारतीय तक भी पहुंच चुकी है और आज हमारे बराबर में बैठे प्रांत के महामंत्री कुलदीप जी भी उससे आए हैं कि उनको थोड़ा सा अब समझाना है, आगे हमें अपनी रणनीति तैयार करनी है कैसे इस प्राधिकरण को रोका जाए, प्राधिकरण को अच्छी तरीके से
देखने की मुहिम हमने आज से स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये संगठन दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी RSS की एक इकाई है और ये भी अब सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए आपके सामने है। दरअसल जो तहसील मुख्यालय है वहां से इस गांव तक आने के लिए जो सड़क है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसके अलावा किसानों की तमाम मांगों को लेकर आज ये संगठन मीटिंग कर रहा है। इसके अलावा मेरे साथ कुलदीप जी हैं, प्रांतीय महामंत्री हैं। सर, आज किसानों के मुद्दे को लेकर आप आए हैं, हालांकि मुझे लगता है थोड़ा देर से आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा किया आप आ गए, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके मीडिया चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मीडिया भी एक सशक्त माध्यम है और मीडिया के माध्यम से भी किसानों का जो शोषण होता है उसको बारम्बार उठाया जाता है, जिससे भी एक जन जागृति किसानों के बीच में आती है। किसानों का शोषण आज से नहीं, जब से भी किसानों ने खेती करना स्टार्ट किया होगा तभी से हो रहा है। बिल्कुल। आज सरकार कहती है एक देश एक संविधान, एक देश एक बाजार, तो हम कहते हैं जैसे समस्याएं किसानों की अलग अलग हैं। आप मेरठ बेल्ट में जाएंगे वहाँ गन्ने की समस्या है, बुलंदशहर से आगे जाएंगे दूसरी समस्याएं हैं, अब यहाँ गाजियाबाद नोएडा यहाँ इस तरह की जो प्राधिकरण जमीन एक्वायर करते हैं अधिग्रहण करते हैं इस तरह की समस्याएं हैं। समस्याएं अलग अलग हैं लेकिन किसानों का शोषण एक जैसा है पूरे देश में, पूरे चाहे महाराष्ट्र हो उत्तर प्रदेश हो गुजरात हो कहीं भी हो, शोषण तो इन्होंने एक जैसा किया है और अब से नहीं हो रहा है, बहुत वर्षों से अनेकों वर्षों से हो रहा है। आज किसान खेत में भी लूटता है, खेत से जब अपना सामान लेकर बाजार में जाता वहाँ भी लूटता है, और जब वो अपनी ज़मीन देता तो सबसे ज़्यादा लूटता है। एक किसान जब अपनी ज़मीन को हम ज़मीन भी नहीं कहते अपनी माँ मानते हैं, जब उसकी माँ को भी सरकार ले लेती है तो उसके पास बचता क्या है, और उसको लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना शोषण होता। जहाँ जहाँ भी ज़मीन अधिग्रहण सरकार ने किया है हर जगह ये समस्याएं हैं। कहीं पर 7% ज़मीन छोड़ते हैं, आज तक उन्हें प्लॉट गाजियाबाद में नहीं दिए गए, यहाँ भी कई कई प्राधिकरण बनाए हुए हैं, उनकी अलग अलग योजनाएं हैं। जब आपको एक ही जमीन लेनी है तो एक जैसी योजना आप क्यों नहीं बनाते, अलग अलग तरह के, गाजियाबाद में अलग रेट, नोएडा के अलग रेट, कहीं और होगा अधिग्रहण होगा वहाँ के अलग रेट, आप जो है एक जैसे कानून क्यों नहीं बनाते? जब आप कहते हो एक देश एक संविधान तो किसानों के लिए भी तो एक देश एक ही नियम एक न्याय होना चाहिए। तो ये जो किसानों का शोषण हो रहा है, भारतीय किसान संघ इससे पूरी तरह से परिचित है और हम ये मानते हैं कि हमारे विचार की सरकार है, लेकिन सरकार अपने तरीके से काम करती है और संगठन अपने तरीके से काम करता है। संगठन लोगों के साथ काम करता है, सरकारें बिजनेसमैन और लोगों के साथ काम करती हैं, लाभ के लिए काम करते हैं, हम किसानों के हित के लिए काम करते हैं। जहाँ किसान होगा वहाँ किसानों के हम साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो भारतीय किसान संघ ये मानता है कि जो अधिग्रहण की या इस तरह की जो समस्याएं हैं पूरे अखिल भारतीय फोरम पर भी उठाई जाएंगी, और अभी तो क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल का बोलबाला होता है, जो अधिकारी होते हैं या इस तरह के जो IAS PCS जो लोबी सरकारों को भी चलाती हैं वो संख्या बल को ही देखते हैं। तो अभी हमारा विशेष काम यही आज करौली गांव के आसपास के हमने संगठन का भी विस्तार किया है, अपने संगठन का विस्तार करते हुए रचनात्मक कार्य करते हुए आंदोलनात्मक कार्य की भी करेंगे, और अभी तो ये केवल एक जन जागृति और एक अवेयरनेस हो रही है। जिस तरह से पूरा जब सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, हम नहीं मांगते भीख, हमें अपना अधिकार चाहिए। तो किसानों को भीख नहीं मांगनी है अपनी, अगर हम ज़मीन दे रहे हैं तो कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अगर अपना बाजार में अपना फसलों का दाम मांग रहे हैं तो कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना दाम मांग रहे हैं। जैसे कंपनी अपना दाम मांगती हैं, अपना स्कूटर मोटरसाइकिल कार बेचती हैं, उसी तरह हमें भी अपनी फसलों का दाम निश्चित करने का अधिकार है। तो हम अपने अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगनी हमें किसी के सामने, और जब जब ये किसान खड़ा हो जाएगा जन जागृति आ जाएगी तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमारे यहाँ कोई हम नेता नहीं है कि हम यहाँ आश्वासन दे दें किसानों को, हम जाके अधिकारों से बात करेंगे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याएं हल किसानों को ही करानी है। अगर किसान हित की कोई भी संगठन बात कर रहा है तो सब संगठन एक जैसा ही काम करते हैं, समन्वय बनाकर काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबकी कार्य पद्धति अलग हो सकती है, कार्यशैली अलग से हो सकती है, लेकिन जब एक मुद्दा है तो सबका एक ही हित होता है। तो कितने भी संगठन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी शहर हो राजधानी तो एक ही रहती है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारतीय किसान संघ की ये मीटिंग है, किसानों के मुद्दे उठाए गए हैं यहाँ पर,
इसके अलावा सड़क का मेन मुद्दा उठाया है और बार बार कम से कम 3 वीडियो तो मैं डाल चुका हूं। यदि यमुना प्राधिकरण के अधिकारी मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया ध्यान दें, क्योंकि अब तो लोग बहुत बहुत अच्छी भी कहने लगे हैं आपके लिए। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।